नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निधिवेश और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। जिला मुख्यालय को भवाली से जोड़ने वाली मुख्य सड़क बीती 29 जुलाई को भूस्खलन से बंद हो गई है। नगर से करीब 6 किलोमीटर दूर पॉइंट से आगे सड़क का करीब 20 से 25 मीटर हिस्सा पूरी तरह से खाई में समा गया था, जबकि इसके आगे पीछे भी करीब 10 मीटर से ज्यादा लंबे क्षेत्र में दरारें थी। पहले इस मार्ग के खुलने की तारीख 16 अगस्त बताई गई थी, लेकिन अब इस मार्ग की अगले 2 से 3 दिनों में खुलने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि आज इसी सड़क पर टूटा पहाड़ के पास भी भूस्खलन हुआ है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता दीपक गुप्ता ने बताया कि क्षतिग्रस्त सड़क के दोनों ओर से 2 डोजर मशीनें लगाई गई है। बारिश और कोहरे के साथ पहाड़ी से पत्थर गिरते रहने के कारण काफी समस्याएं आ रही है, फिर भी काफी कार्य हो चुका है। अब केवल बीच का ध्वस्त वाला हिस्सा ही पहाड़ की ओर काटे जाने से बचा है। कोशिश है कि अगले 2 से 3 दिनों में इस मार्ग को छोटे वाहनों के काम चलाऊ आवागमन के लिए खोल दिया जाए। गौरतलब है कि इस मार्ग के बंद हो जाने से नैनीताल भवाली की करीब 11 से 12 किलोमीटर की दूरी के लिए वाहनों को करीब 25 किलोमीटर चलकर गोटिया जोलीकोट के रास्ते गुजरना पड़ रहा है। साथ ही नैनीताल से भवाली का किराया बस से 25 और छोटे वाहनों से 30 रुपए की जगह अब बस से 80 और टैक्सियों से 100 रुपए देना पड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि कितनी जल्दी ये मार्ग खुल पाता है, क्योंकि बारिश लगातार जारी है जिससे भूस्खलन की संभावना बनी हुई है। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।